रूस से तेल का एक और जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। सस्ते तेल की दूसरी खेप कराची पहुंची, 56,000 टन खाम तेल से लदा बहरी जहाज लाइट नोबल नामी जहाज कराची पोर्ट पहुंचा। रूसी जहाज खाम तेल के साथ बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। जैसे ही जहाज का बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल पेयर पर लगाया जाएगा। इससे कबल 8 जून को पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुँचा। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मेट्रिक टन तेल से लदा हुआ था। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायात पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर रब्ता करें 03370317 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।